अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्लोर एंड मोर। आज हम कुछ एक्सप्लोर तो नहीं, लेकिन आज हम मोर के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे इंस्टा, ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फैलने वाली ट्रेंडिंग वीडियोस के बारे में या फिर कोई भी पोस्ट के बारे में। सबसे पहले मैं आपको लेके चलूँ ट्विटर पे। ट्विटर पे मौलाना तारिक जमील, जो कि पाकिस्तानी बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, उन्होंने एक ट्वीट की थी 29 अक्टूबर 8:37 PM पे। उन्होंने ये ट्वीट की थी कि उनके बेटे की डेथ हो चुकी है और उन्होंने सबसे गुजारिश की है कि आप सब उन्हें इस गम के मौके पर दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला उनके बेटे की मगफरत अदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत सारे पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल ने भी इस न्यूज़ को कवर किया था। कुछ कहते हैं कि ये हादसा है, कुछ कहते हैं कि ये खुदकुशी है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि बहुत ही फेमस हुआ हुआ है। हो सकता है मेरी वीडियो देखने से पहले आपने ये रील देख ली हो। मैं बात कर रही हूँ इंडियन एक रील की, जो कि बहुत ज्यादा फेमस हुई थी, जिसको अगर आप कह सकते हैं माउस कलर एंड लड्डू पीला कलर। अब कह सकते हैं कि ये रील जो है वो किसी स्ट्रेटजी के लिए या फिर अपने आप को वायरल करने के लिए बनाई थी, लेकिन ऐसा नहीं था। ये जो असली सोर्स है इस वीडियो की, ये दिल्ली में एक स्टूडियो है और 9 अक्टूबर को जसमीन कौर के अकाउंट से ये पूरी फुल फ्लैच वीडियो डाली गई थी। जैसे नॉर्मली लोग अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए इंस्टा पोस्ट लगाते हैं, उसी तरह से इस पोस्ट को भी उन्होंने अपलोड किया था। ये जो वीडियो है ये बहुत ही लंबी थी और इसमें से सिर्फ एक छोटा सा पार्ट, जो कि उन्होंने माउस कलर एंड लड्डू पीला कलर ये कहा था, ये बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है। लोगों ने इस पर रील्स बनाई, इस पर जो है वो टिकटॉक्स बनाए, अपनी पोस्ट लगाई, इस वीडियो को इतना शेयर किया है, इतना लाइक किया है। मतलब एक छोटी सी वीडियो, एक छोटा सा उनका सेंटेंस इतना ज्यादा वायरल कर दिया है कि अब ये सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जो धूम मचा रहा है। इस वीडियो को, इस पोस्ट को लोगों ने इतना ज्यादा पसंद किया है कि सिर्फ इंडियंस नहीं, पाकिस्तानी भी इस पे रील्स बना रहे हैं और ये टॉप ट्रेंड पे चल रही है। अब हम इंडिया के बाद बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के PMLN के लीडर नवाज शरीफ वापस 10 दिन पहले आ चुके थे और आज की लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि अब वो एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। ये तो थी हमारी थर्ड नंबर की न्यूज़। अब हम जाते हैं फोर्थ न्यूज़ पे और देखते हैं कि फोर्थ पे ट्रेंडिंग क्या चल रहा है। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड लास्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है लोक वर्षा या लोक मेला। लोक वर्षा में लोक मेला 2023 हर साल ज़रूर होता है। इस मेले में बहुत सारी एक्टिविटीज़ पाई जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल फेस्टिवल्स, शोकेसिंग, क्रिएटिविटी और न्यू इनोवेशंस भी दिखाई जाती हैं। यहाँ पे आपको हर तरह की यूनिक हैंडीक्राफ्ट, एंटीक्स, डेकोरेशन मिल सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पे कल्चरल थीम्स, ट्रेडिशनल फूड स्टॉल्स, फोक म्यूजिक, डांस, शॉपिंग स्टॉल्स, किड्स कॉर्नर और ये सारी चीज़ें आपको ओपन एयर थिएटर में देखने को मिल सकती हैं। तो आप भी आएँ और फ़ायदा उठाएँ। इस इवेंट को कवर करने के लिए मैं भी ज़रूर जाऊंगी और अपने इस चैनल पे आपको एक्सप्लोर करके लोक मेला दिखाऊंगी। 4 नवंबर से लेके 12 नवंबर तक ये मेला लगने वाला है, तो देर किस बात की है, आप भी इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं। क्योंकि मुझे तो ट्रेडिशनल आर्ट, फूड, म्यूज़िक देखने का बहुत शौक है। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक की, जो कि है टॉप एक्सपो 2023। ये एक लाइव म्यूज़िक कॉन्सर्ट है जो कि F9 पार्क में होने वाला है। यहाँ पे डिफरेंट आर्टिस्ट, सिंगर्स, स्टॉल्स, म्यूजिक, हर चीज़ यहाँ पे आपको मिलने वाली है। तो टॉप एक्सपो और लोक वर्षा, इन दोनों में आप ज़रूर आएँ और फ़ायदा उठाएं। लोक मेला और लाइव म्यूज़िक कॉन्सर्ट, इन दोनों के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। लोक मेला जो है वो फ्री एंट्री है और जबकि जो टॉप एक्सपो में लाइव कॉन्सर्ट होने वाला है, इसके आपको टिकट्स लेने पड़ेंगे। तो मैं तो ये दोनों चीज़ें ज़रूर एक्सप्लोर करने के लिए एक्साइटेड हूँ और आप भी जाएँ और एक्सप्लोर करें। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और न्यू वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएगा। जब तक के लिए बाय बाय।